शेर शाह सूरी बरे सगीर पाक हिंद का अजीम हुक्मरान, जिसने अपने मुख्तसर तीन दौरे हुकूमत में अजीम इस्लाहात की। तारीख दां उसकी तामीरात की वजह से उसे हिंदुस्तान का नेपोलियन भी कहते हैं। शेर शाह सूरी की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो मवासला से मुतालिक थी। पूरे हिंदुस्तान को मिलाने के लिए उसने जनरल ट्रंक रोड बनवाई, जो आज जीटी रोड के नाम से मंसूब है। लेकिन इससे भी बड़ा काम डाकी तरसील का था। तेज तरीन निजाम बनाने के लिए ये कहा जाए तो शायद भेजा ना होगा कि डाक के जदीद निजाम का बानी शेर शाह सूरी था। जब हम दरिया चनाब को पार करके वजीराबाद की तरफ रुख करते हैं तो नाला पलखू के करीब एक खस्ता हाल इमारत नजर आती है। हर बार देखते मगर दिल में देखने की हसरत लिए गुजर जाते। सहाफिया ने खसलत थी, कब तक दर गुजर करते। आखिरकार नजीर जाकर देखा, वीडियो बनाई, तहकीक की तो जो हकीकत खुलकर सामने आई वो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस थी। ये वो डाक चौकी है जो शेर शाह सूरी ने डाक की तरसील के निजाम को तेज तरीन बनाने के लिए बनवाई थी, जहां पर हर वक्त ताजा दम घोड़े और डाकिये तैयार रहते और डाक लाने वाला यहीं पर क्याम करता जबकि ताजा दम घोड़े पर सवार दूसरा डाकिया अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता। आज ये डाक चौकी भूत बंगला की शक्ल इख्तियार की है। हाँ, इस पर एक बोर्ड आविजा है जो कि नया है, लेकिन इमारत खस्ता हाली का शिकार है। दीवारें टूट रही हैं, इर्द गिर्द घास है, जबकि दीवारों में भी छोटे छोटे दरख्त जट पुकड़ चुके हैं। मीनार भी टूट फूट का शिकार है। अलगरज ये अजीम विरसा देकर शदीद कब में मुबतला हुए। वे ये वो अजीम विरसा है जो मुसलमान हाकमों की जहानत को साबित करता है, मगर हम इसकी हिफाजत करने में नाकाम हैं। अगर हमने बर वक्त इसको महफूज न किया तो ये अजीम विरसा अनकरीब जमीन बोस हो जाएगा और तारीख हमें कभी मुआफ नहीं करेगी। इस फिल्म की वसातत से हम पाकिस्तान के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और बैनुल अकवाई तंजीमों से दरख्वास्त करेंगे कि वो इस अजीम विरसा को महफूज बनाने के लिए इकदामात करें। अगर बाबा गुरु नानक की यादगार को महफूज बनाया जा सकता है और हिंदुओं के मंदिरों को भी महफूज बनाने के इकदामात किए जा सकते हैं, तो बर्रे सगीर के इस अजीम मुसलमान हुक्मरान शेर शाह सूरी की डाक चौकी को महफूज क्यों नहीं बनाया जा सकता।